हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है राहुल और आज हम आए हैं ओसोल ऑटोज़ यामा के शोरूम YZF FZS वर्जन 4 का वॉक अराउंड वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो के अंदर आप इसका प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, बाकी सब कुछ जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आपको जो है यहाँ पर LED लाइट देखने को मिलती हैं, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट हैं, और इसी के अंदर आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है। साथ ही इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अब LED हैं। और अगर मड गार्ड की बात की जाए तो आपको ग्रे कलर के अंदर इसका मड गार्ड देखने को, यामाहा की स्टिकरिंग आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और सस्पेंशन जो है इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक मिलेंगे। और टायर सेक्शन की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 180x17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, और उसमें जो है आपको डिस्क ब्रेक जो देखने को मिलता है वो 282mm का है। इसमें बाइबर के ब्रेक्स कैलिपर का यूज़ हुआ है। सिंगल चैनल ABS में ये बाइक आती है। और रिम का कलर आप देख रहे हो बहुत ही पैपी सा है, ये नियॉन ग्रीन, नियॉन येलो आप इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद अब चलते हैं साइड प्रोफाइल। तो कुछ इस तरीके का है इस बाइक का साइड प्रोफाइल, काफ़ी मस्कुलर लगती है देखने में और हैवी भी है। और यामाहा का लोगो यहाँ पर है। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, मिरर इस बाइक में अभी लगे हुए नहीं हैं, वो जब आप परचेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें आपको लगा के दिए जाएंगे। और अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर में जो है इसमें आपको ऑलमोस्ट एम्प्टी जैसा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको टाइम, ओडो, फ्यूल गेज, RPM, TCS, जो ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, और एवरेज आपको इस मीटर में देखने को, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस मीटर से दे सकते हैं। और इस बाइक में आपको जो है यामाहा कनेक्ट का एक फीचर मिलता है, जिसमें आप बाइक चलाते हुए अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसमें आपको कॉल, SMS, ईमेल, फ़ोन बैटरी लेवल और भी सारी बाकी की इन्फॉर्मेशन वो आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। राइट हैंडल पर जो है आपको पास का बटन, लो बीम, हाई बीम का बटन, इंडिकेटर जो स्विच करते हैं हम लेफ्ट राइट के लिए वो, और हॉर्न, ये सब देखने को मिलता है। और टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 13 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात की जाए तो 790mm इसकी सीट हाइट है, और यहाँ पर ग्रैब रेल्स हैं। जो बैक है, बैक में आपको LED लाइट देखने को मिलती है, साथ ही फ्लैशर्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर LED वो है, रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट का सेक्शन है इस बाइक में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये मतलब ओपन मड गार्ड है, जो अब R15 में भी आता है, MT में भी आता है, तो कवर वाला नहीं है इसके अंदर, ओपन मड गार्ड आपको देखने को मिलता है। रेयर टायर की बात की जाए तो 140, 60, 17 का आपको इसमें रेयर टायर देखने को मिलता है। और डिस्क ब्रेक, जो पीछे का डिस्क ब्रेक है वो 220mm का है। साइलेंसर का जो कवर है वो भी थोड़ा सा बल्कि सा कर दिया है, थोड़ा फंकी सा लगता है। इसमें आपको देखने को मिलते हैं पीछे जो मोनोक्रॉस सस्पेंशन है वो, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं 7 स्टेजेस तक। उसके बाद अगर इंजन की बात की जाए तो एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2 वेल्व 149cc का इंजन आपको देखने को मिलता है। जो मैक्सिमम पावर ये जनरेट करता है वो है 12.4 PS की एट 7250 RPM पे, और जो मैक्सिमम टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है वो 13.3 Nm का है 5500 RPM पे। E20 फ्यूल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस बाइक के अंदर जो है आपको 5 गियर स्पीड देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको जो है काउल दिया गया है एक स्पोर्टी लुक देने के लिए बाइक को, और साइड स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों ही आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको सीट ओपन करने के लिए एक लॉक मिल जाता है। चेन कवर है यहाँ पर, सारी गार्ड है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है इंजन कट ऑफ स्विच भी आपको देखने को मिलता है। कि अगर जब तक आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, साइड स्टैंड वगैरह आपको हटाना पड़ेगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर बाइक को बुक करने के लिए आप यामाहा के शोरूम ओसोल मोटर्स पे जो है विजिट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और अगर बात करूँ मैं इस बाइक के प्राइस की तो दिल्ली के अंदर इस बाइक का जो प्राइस है वो है 1,29,700 एक्स शोरूम। बाकी अगर कुछ प्राइस ऊपर नीचे होता है तो वो आप जब विज़िट करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको वो बता दीजिएगा कि अब इसका लेटेस्ट प्राइस जो है बाइक का वो क्या चल रहा है। तो गाइस, यही था अपना YZF वर्जन 4 का वॉक अराउंड वीडियो। इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ आई गेस कवर कर लिया है। इनकेस अगर कुछ भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उन फ्रेंड्स को जो भी इंटरेस्टेड हैं आपके ऑफिस में या आपके फैमिली के अंदर ये बाइक परचेज करने के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।